चापट्टी चापट्टी चापट्टी। पांच पंगा नेता नहीं, जहां अंकों के मामले में जो पांच पॉइंट पर पांच अंकों पर है बजरंगी फाइटर और पांच नंबर के जैसे नेताम ही आक्रमण पर है, इनके ऊपर पूरी जवाबदारी है। मुख्य रेडर है और मुख्य रेडर के साथ तेजी से सोल पहुंचा, जहां की कोरबा के टीम बोनस के जरिए छह अंक पर इस समय बिलासपुर फाइटर के लिए दुर्गेश नेताम के ऊपर और दांव खेल कर रखा है। यहाँ से अगर दुर्गेश नेताम के जो दबी के द्वारा एंकर को लेने की कोशिश और नाकामयाब कोशिश, रामेश्वरी दूर छोड़ के गए। महिला वर्ग में एटीआर कोटा पुरुष वर्ग में एटीआर कोटा के टीम मैनेजर याकूब, नोरवी के टीम मैनेजर याकूब। यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच गई तो तत्काल मंच पर संपर्क करें। दूसरे तरफ जहाँ दर्दी कोरबा की टीम भी सोलहवें अंक पर है, दोनों टीम बराबर पर। दूसरे हाफ का खेल अंग्रेज से भी कम समय का गुजरा है, उसमें दोनों टीम से सुपर रेड हो जाता है। यहाँ से एक तरफ ब्लू डॉल्फिन भी बर्षा निवास के ऊपर दबाव बना करके रखता है, लेकिन इधर से अंतिम मिनटों में खेल है और सरस्वती के ऊपर ही लगातार सफल किया दाव लगा के एटीआर कोटा के टीम मैनेजर या कोच अविलंब रेफरी बोर्ड टेबल पर संपर्क करें। बजरंगी फाइटर आज के संध्याकालीन का पहला मुकाबला हुआ और पहले मुकाबले में ब्लू डॉल्फिन परास्त होकर के ग्राउंड से बाहर। अध्यक्ष महोदय पुष्प बहार से स्वागत करेंगे। प्रदीप सिद्धार्थ जी आ जाएंगे और जनपद अध्यक्ष माननीय मनोहर सिराज जी का पुष्प बहार स्वागत करेंगे। भरत यादव जी, बुधराम बरकाम जी, आप सभी से हमारा निवेदन है कि पुष्प बहार स्वागत करेंगे अध्यक्ष महोदय का। और स्वागत के कड़ी में हमारे मुख्य दर्शक और उन्हीं ने इस कोटा के सर्जरी को भी चुना है कि मैं कोटा के सर्जरी पर अपने बैनर तले, उस फाउंडेशन के बैनर तले, रामप्रसाद मिश्रा के फाउंडेशन के बैनर तले कोटा के सर्जरी पर छत्तीसगढ़ श्रृंगार करने के साथ लगातार वो हमें आशीर्वाद प्रदान करें इस प्रतियोगिता के लिए। और हम श्री यादव जी को भी हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। माननीय हेमंत सिंह यादव जी, चेयरमैन जिला कबड्डी संघ बिलासपुर। आगे मैच को लेते हैं हमारे साथी कमेंटेटर श्रीमान राहुल के मंच जाकर अमोला। तेईस अंकों पर और तीन अंकों पर लंबे गति खड़ाए हैं भाई दुर्गेश। दुर्गेश नेता देखते हमने टीम के लिए अभी तक जितनी भी टीम अभी तक विजयश्री हासिल की है, यहाँ पर ब्लैक का पुरस्कार का मचा दिया है हमारे द्वारा सुपर रेड की चारों की स्थिति हो गई है। ठाकुर सर जी क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, बड़ा ही रोचक और तगड़ा मैच रहेगा। दोनों ही टीमें तीन दिनों के मेहनत के बाद पूरे कसमकश के बाद आ रही है और बेहतरीन बॉल लेकर अपने मैदान में।
दुर्गेश नेताम अपनी टीम के लिए काफी फायदेमंद खिलाड़ी। अभी तक ग्रेट टाइगर ये नहीं, ये देखिए दोबारा से स्वीकार कर लिया है शेखर के रूप में और नौ इसमें सात बार अच्छी स्थिति हो गई है, 12 अंकों पर ब्लैक टाइगर, 7 अंकों पर कोरिया टाइगर। देखते हैं कौन सी टाइगर मारती है, काले वाला या सफेद वाला, देखते हैं भाई लीजिए। और ये अबाइल मुझे मार वाली बात हो गई थी यहाँ पर तो सर जी निश्चित लंबे क्रिकेटर है और काफी लंबे स्ट्रेट मारते हैं, निश्चित इसका फायदा उठाए और बहुत ही शानदार यहाँ पर पॉइंट अर्जित करते हुए लगातार एक के बाद एक दूसरे को पटखनी देते हुए थोड़ी बार दुर्गेश नेताम अपनी टीम के लिए बहुत ही फायदेमंद खिलाड़ी। जितने भी अभी पॉइंट आए हैं दुर्गेश नेताम द्वारा भी लाया गया है और बिल्कुल ही अपनी लंबाई का फायदा उठाना चाहते हैं और ये देखिए लंबाई का फायदा उठाने में माहिर है और बिल्कुल अपने काम काम से इतने अंक दाखिल करके हमारे एम्पायर बताएंगे हमारे बनाकर रखने का प्रयास करेंगे। आप देखिए भाई ब्लैक टाइगर के खिलाड़ी अपने बीच के लिए बेहतरीन रन डालते हैं दुर्गेश नेताम और यहाँ पर अपनी लंबाई का भी निश्चित तौर पर बोनस प्लस वन पकड़ने से भी बहुत ही शानदार अंतर होल्ड देखने को मिला है और शानदार कॉम्बिनेशन टेकल देखने को मिला है। इस साझेदारी रूप से बस आंखों आंखों में इशारा करते हैं और तुरंत छप्पर मार करके चीते की तरह छपट पड़ते हैं और निश्चित इस बार भी क्षेत्र के साथ है और इस बार और दो और गाई यहाँ पर देखते हैं भाई यहाँ पर इस बार आए दुर्गेश नेताम पुनः जिसके लिए जाने जाते हैं दुर्गेश नेताम। अभी तक उन्होंने अपना ध्रुव का एक्का नहीं खोला है तो निश्चित ही कब वो समय आएगा जब उस समय पर अपने बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे और निश्चित इस बार बदलाव के मोमेंट्स किस प्रकार से दोनों ही टीमें स्टडी करके आए हैं कि किस प्रकार से मैच पर अपनी पकड़ बना सके। निश्चित यहाँ पर निश्चित तौर पर दुर्गेश नेताम अपने टीम के लिए लंबाई का फायदा उठाना चाहेंगे। यहाँ पर टो टच करने की दावा पेश कर दिया है लेकिन हमारे पैर की एकदम बारीकी नजर वहीं पर जहां पर इनके पैर पड़ा है और थोड़ी देर में पता चलेगा क्या होगा स्थिति। दूसर जी मंच के पीछे मेरे सम्मानित दर्शक दुर्गा से मैं निवेदन करूंगा पीछे तो एवं द्वितीय पुरस्कार के रूप में 40,000 रुपए एवं आकर्षक कप एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में 31,000 रुपए एवं आकर्षक कप और चतुर्थ पुरस्कार के रूप में 21,000 रुपए एवं आकर्षक कप से सम्मानित किया जाएगा। निश्चित तौर पर सर जी यहाँ पर देखते हैं दो खिलाड़ी मौजूद है कोई पर सुपर टकर यदि पकड़ लेते हैं तो अंक मिला गया क्या कर इस बार यहाँ पर बहुत चक्री घुमाते हुए चक्री घूम हुँ गए यहाँ पर शेखर चंद्रा का और अपनी पश्चात को कायम रखते हुए इस प्रकार से बोनस से एक अंक और लिए है दूसरा जी और यहाँ पर दुर्गेश नेताम अपने टीम के लिए देखते हैं इस बार निश्चित तौर पर एक दो पॉइंट क्या मुझे लगता है सुपर रन डालने के प्रयास में रहेंगे इस बार और ये देखे यहाँ पर फिर एक बार और क्या स्थिति बनती है बोनस तो गणेश सर जी बिल्कुल इस गौतम सर जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ इस अंतर को पाटा जा सकता है ब्लैक टाइगर इस अंतर को पाट सकता है उसके रेडर अभी रेड डालने गए हुए हैं कौड़िया टाइगर के मैदान में और देखिए उछल कर बेहतरीन पकड़ा। तो दोनों ही टीमों की बात करूँ तो काफी सशक्त और मजबूत प्रबल दावेदार अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं अभी तक बेहतरीन प्रदर्शन गोंडवाना का प्रो कबड्डी प्रतियोगिता ग्राम जामपाली में जितने भी दर्शक यहाँ पर हमारे अतिथि घर सभी पधारे आपका अभिनंदन वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को तुरंत से पहले सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल वाले घंटी के आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।